हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुजीत कुमार, बीबीडी यूनिवर्सिटी के मास कॉम डिपार्टमेंट में मैं आपका स्वागत करता हूं। और ये हमारे वीडियो सीरीज का ये पांचवा वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे केबल इंडस्ट्री इन इंडिया और जो कमिटी बनाई गई थी रेडियो एंड टेलीविजन के इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके बारे में हम जानेंगे। और जो टॉपिक्स मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो आपके टॉपिक क्लियर हो गई होंगी और उसके आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे। तो आज हम जानेंगे कि जब केबल इंडस्ट्री जब केबल केबल इंडस्ट्री आई इंडिया में, तो उस समय का जो पीरियड था वो टेलीविजन के क्या कहते हैं टेलीविजन के पार्ट में वो कितना ग्रोथ किया और क्या नई चीज़ें जो बनकर के आई सामने, वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी, कौन कौन से ऐसे डेवलपमेंट हुए, कौन सी टेक्नोलॉजी आई और उसमें क्या क्या ऐसी कमिटी बनी थी जो इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट के लिए बनाई गई थी, उनके कहाँ कहाँ पे उन लोगों ने इसके लिए रिसर्च वगैरह किया था। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा केबल इंडस्ट्री इंडिया का जो सेक्शन है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो ये स्टार्ट हुआ था ये 1959 में एक्सपेरिमेंटल के बेसिस पे इस टेलीविजन में इसको स्टार्ट किया गया था उस टाइम पे। लेकिन और इसको 1965 में कमर्शियल जो सर्विसेज है उसकी शुरुआत हुई थी। मतलब कि अगर हम देख रहे हैं कि 1959 में इसको एक कहते हैं एक्सपेरिमेंटल के तौर पे, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है, इसके साथ हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि ये कितनी जो सक्सेस होती है इस चीज़ पे जा करके, और आने वाले जो और लोग हैं या और जो शहर है वहाँ तक इसकी जो रीच है वो कितनी पहुँचती है। तो 1972 में ये मुंबई और अमृतसर में इस टेलीविजन की जो सर्विस थी उसको फैलाया गया था, ठीक है, मुंबई अमृतसर दिल्ली और वहाँ तक इसको गया था। लेकिन और 1975 तक 7 और शहरों में इसको कवर किया गया था, क्योंकि यहाँ से अगर देखें 1972 और जो 1975, 3 साल के गैप में यहाँ पे तकरीबन इसको 7 और शहर में कवरेज के लिए इसको दे दिया गया था। क्योंकि जो चीज़ नई टेक्नोलॉजी आएगी तो एक जगह पे वो सीमित नहीं रह सकती, तो उसकी ग्रोथ के लिए और उसके जो ट्रायल चल रहे हैं उसके सक्सेस कितना करता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम है या जो बैरियर्स हैं वो हमें फेस करने पड़ेंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा और इसको फैलाया गया था, ठीक है। तो इसमें 15 अगस्त 1982 को जो हमारा इंडिपेंडेंस डे था उसको यहाँ पे लाइव कवरेज किया गया था। तो उस समय जो हम सेटेलाइट यूज कर रहे थे वो था इनसेट 1B। ये सैटेलाइट जो है इनसेट 1B को हम उस समय तक यूज कर रहे थे इसके लिए, ठीक। यहाँ मैंने हाईलाइट कर दिया, अब यहाँ से इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके बाद आगे चलते हैं, अगस्त 92 में जैसे टेलीविजन आया था, मैंने आपको बताया था कि इसमें टेलीविजन जब आया था तो और जो चीज़ें डेवलप हुई थी उसमें क्या क्या और आई थी उसमें हम देखें। जैसा कि यहाँ पे हमने अभी बात की थी कि जो केबल केबल टीवी के बारे में, तो ये था। तो इसके बाद अगर हम चलते हैं केबल टीवी में, उसके जब वो आया था तो और क्या क्या चीज़ें हमारे पास स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पे हम चलते हैं। तो इनसेट 1B जो हमारा सैटेलाइट था उससे हमने इसकी शुरुआत की थी। उसमें एशियाड खेल भी गेम चल रहा था जैसे पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था। और उस समय जो क्या हुआ कि इसकी जो ग्रोथ थी उस समय इसकी बहुत तेजी से केबल के ग्रोथ हुई केबल टेलीविजन की। और ये इंडियन के जितने भी घर हैं जो जो लोग हैं रेजिडेंशियल उनके घरों तक ये बहुत आसानी से पहुंचने लग गया केबल के थ्रू। हर एक गली और हर एक टाउन में इसको लेकर जाया गया और उसको केबल के हर घर में इसको कनेक्शन दिया गया था, और उसमें कनेक्शन के ज़्यादा चार्जेस लगते भी नहीं थे। तो ऐसे करके धीरे धीरे इंडिया के सभी घरों में पहुंच गया। 2010 तक अगर हम बात करें तो देश में कुल 515 यानी 515 चैनल्स अवेलेबल हैं हमारे यहाँ पे अभी, जिनमें से 150 चैनल्स हैं, ठीक। और 92 में सरकार गवर्नमेंट ने जो फॉरेन खिलाड़ियों के जो प्लेयर्स थे उनको अनुमति दी गई थी, जो इन्वेस्टमेंट है उनको सॉरी इन्वेस्टर है उनको कि आप यहाँ पे आए और इन्वेस्ट करें। तो ऐसे करके चीजें हमारे यहाँ पे चली गई। तो क्या हुआ कि
जो केबल की शुरुआत हुई थी इसके लिए उस समय तक कोई अथॉरिटी नहीं बनी थी, लेकिन हाँ इसकी शुरुआत हो चुकी थी। इसकी शुरुआत के लिए जो चीज रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, तो वो रिक्वायरमेंट थी, तो लोग क्या कर रहे थे कि एक छोटे से रूम में, गैरेज में, घर के कमरों में इस सेटअप को लगाने लगे, और इससे जितने भी मोहल्ले और गली थे सभी जगहों को इन्होंने कवरेज करना शुरू कर दिया, वहाँ पे सर्विस देना इन्होंने शुरू कर दिया। तो केबल नेटवर्क जब ये फैला तो इंग्लिश, हिंदी और फिल्म्स और सॉन्ग्स और गेम शो के मीडियम, ये सारे जो चैनल्स थे ये टेलीकास्ट होने लगे हमारे टेलीविजन पे। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जब केबल नेटवर्क आया तो इसके आने से जो हमारे चैनल में जो ग्रोथ हुआ, जितने चैनल्स पहले हमारे पास थी सिर्फ डीडी हम देखते थे, और उसके बाद इसके आने से जो ग्रोथ हो गया वो काफी तेजी से भागा इंडिया में, और वो इतना ग्रोथ हुआ कि लोग के घर घर में ये चीजें पहुंचने लग गई। तो और इसको स्टार्ट करने के लिए आप कह सकते हैं कि जितना चीनी डालोगे वो उतना मीठा होगा, उसी तरह इसके भी थे। आप सेटअप कितना बड़ा लगा रहे हैं, आपको कितना एरिया कवरेज कवर करना है इसमें, तो ये सारी चीजें भी डिपेंड करती थी उस समय पे। लेकिन लोगों ने क्या किया कि इनिशियल फेज में उन्होंने छोटे छोटे जगहों से इसकी शुरुआत कर दी थी। तो इसके बाद हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, 1990 के आसपास में, ठीक है, सीएनएन और जो दिक्कतें हुई थी, सीएनएन ने जो खाड़ी देशों में या गल्फ कंट्री में जो प्रॉब्लम हुई थी उसको उन्होंने लाइव टेलीकास्ट किया था। तो यहाँ से हम चलते हैं बिजनेस मॉडल ऑफ केबल इंडस्ट्री। जब बिजनेस मॉडल आया, जब इसको बिजनेस में इस चीज को कन्वर्ट किया जाने लगा, तो इसके टेक्नोलॉजी में भी काफी ग्रोथ होने लग गई। तो हम कह सकते हैं कि जब उस समय केबल का जब क्या कहते हैं कि जब ट्रांसफॉर्म होने लगा, जब इसकी ग्रोथ होने लगी, तो घर घर तक ले जाने के लिए आपके छत पे या गली में या खंबे के ऊपर एक हब लगाया जाता था। उस हब से चीजों को स्प्लिट करके, और उसको एक एक हब लगाने के बाद कम से कम 6 से 8 घरों में वो स्प्लिट होता था। फिर उसी एक हब से वो आगे स्विच करता था नेक्स्ट घर की तरफ या नेक्स्ट मोहल्ले की तरफ, वो ऐसे करके स्विच करता था। तो उसमें क्या होता था कि जो क्वालिटी थी ऑडियो और वीडियो की वो काफी खराब हुआ करती थी। मतलब कि अगर किसी के यहाँ पे अच्छा चल रहा है तो वो जरूरी नहीं कि आपके यहाँ पे भी वो जो केबल की जो स्ट्रेंथ आ रही है, कनेक्शन आ रही है, उसकी क्वालिटी आपके पास अच्छी हो। कहीं पे ऑडियो की दिक्कत, कहीं वीडियो की दिक्कत, काफी इस तरह की प्रॉब्लम उस समय देखे गए। जब ये बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट हुआ तो इसमें कई ऐसी कंपनियां हैं जो इन्होंने इसमें जम किया इस चीज को एडॉप्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री कॉम्प्रोमाइज ऑफ 6,000 मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स, जिसको हम MOS कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 60,000 के आसपास और केबल के जो ऑपरेटर्स है, LCO जिसे हम कहते हैं, 7 DTH सेटेलाइट टीवी ऑपरेटर्स, और कई और कितने IPTV भी इसमें ऐड होने लगे इस बिजनेस मॉडल से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब इस बिजनेस को एडॉप्ट किया गया तो 6,000 मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स, जिसको हम MSO कहते हैं, यहाँ पे इसको MSO के ही नाम से जानते हैं, जो आपके मेट्रो सिटीज में जो केबल की सर्विस देते हैं हम उसके MSO कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि जो ये मॉडल था इंडिया का, और इसमें तो इसमें काफी चेंजेस यहाँ से शुरू होने लगे थे। तो एक समय इंडिया में लगभग 1 लाख केबल ऑपरेटर हुआ करते थे उस समय तक। ये 1 लाख पूरे इंडिया में, सोचिए इसने कितनी जल्दी और कितना ग्रोथ किया था इस चीज के मामले में। हर घर, हर मोहल्ले, हर जगह पे, हर बिल्डिंग्स में, हर अपार्टमेंट्स में ये चीजें पहुंच गई थी। उस समय तो DTH का जो सिस्टम था वो उस समय तक आया नहीं था, तो केबल ही एक ऐसा चीज था जो कि बिना एंटीना लगाए आपके ऊपर घर पे ये सर्विस आती थी। पहले क्या होता था, DD1 नेशनल चलाने के लिए आपको छत पे और एक बांस लगाकर या पाइप लगा करके आपको एक एंटीना लगाना पड़ता था, और उसके एक तार जो आपके टीवी में आती थी, लेकिन उसमें ऐसे कई दिक्कतें होती थी कि घुमाते थे, सिग्नल आया नहीं आया, सिग्नल आया नहीं आया, इस चक्कर में आधे प्रोग्राम तो ऐसे ही निकल जाते थे। एक बार वो सेट हो जाता था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही मौसम खराब हुआ और आंधी तूफान आया तो वो फिर से या तो वो गिर जाता था, गिर करके टूट जाता था,
या तो फिर उसके जो कनेक्शन थी, जिस डायरेक्शन से वो कनेक्शन वो रिसीव करता था रिसीवर को, तो वो सारी दिक्कतें होती थी। और उसमें क्या होता था कि फिर से उसमें सारी चीजें प्रॉब्लम आना शुरू हो गए। तो इस बिजनेस को जब छोटे ऑपरेटर्स ने चलाना शुरू किया था, तो हिंदुजा जो ग्रुप है केबल नेट से, यहाँ पे देखें हिंदुजा ग्रुप केबल नेट के नाम से हम इसे जानते हैं, और जी का जो ग्रुप है साइट केबल, वो आ गया एशिया नेट, हैथवे, और आरपीजी ग्रुप और आरपीजी नेटकॉम के नाम से ये कंपनी उस समय चल रही थी। और इसमें अगर बड़े ऑपरेटर्स जो थे उसको हम एमएसओ कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो मेट्रो में ज्यादा हुआ करते थे। तो यहाँ से जब केबल से ये चीजें शुरुआत हुई, तो आज ये जो कंपनियां हैं ये दूसरे लेवल पे अभी जाकर के पहुंच गई हैं। तो अगर हम यहाँ पे जी की बात करें साइट केबल की, तो ये आज के टाइम में आप इन्होंने बहुत बड़े बड़े एमसीआर के लिए कंपनियां खोल रखी हैं, जो डीटीएच की जो चैनल नंबर आप देखते हैं वो सारे यहीं से इसी से कंट्रोल होते हैं, साइड केबल से। साइड केबल के अगर थ्रू अगर मैं रिसीव ले रहा हूँ, वहां से चैनल अगर ले रहा हूँ, तो आपको एक चैनल नंबर मिलेगा जहाँ से आपको नंबर वो इनपुट करने के बाद वो चैनल आप अपने टीवी पे देख सकते हैं। या हैथवे हो गया, हैथवे भी जो केबल टीवी था, केबल टीवी से ये इन्होंने फिर अपने आपको ब्रॉडबैंड पे चेंज कर लिया। तो आज के टाइम में जो केबल पे थे, तो उसी केबल के थ्रू उन्होंने उसको हैथवे को कर दिया। और हैथवे में जब नेट पे आया, इंटरनेट पे आया, तो अब इन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स पे अपने आप को चेंज रिफॉर्म कर लिया, ठीक है। और हेजा ग्रुप, ये सारे जो है ये बड़े बड़े ग्रुप हैं जो कहीं ना कहीं आपके घर में जो आने वाली ब्रॉडबैंड कनेक्शन है इन्हीं में किसी एक का हो सकता है, ठीक है। और एमएसओ के बारे में तो मैंने बता ही दिया आपको। तो ये इतनी सारी जो चेंजेस हुई, इतनी जो कंपनियां आई उस समय, उसके आने से क्या हुआ कि फिर जो केबल कनेक्शन था उसमें चेंजेस आ गए। फिर उसमें घर घर में फिर बूस्टर लगाए गए, मतलब कि 10 घर है, 10 घर के बीच में एक बूस्टर लगाया जाता था, नेट बूस्टर, सॉरी रिसीवर बूस्टर, जिसके कारण से आपके यहाँ की क्वालिटी जो थी और इम्प्रूवमेंट हो गई। लेकिन उसके बाद क्या होता था कि मान लीजिए आपका गली 4 नंबर में, और आपके यहाँ से उस बूस्टर से 6 नंबर के गली में अगर सप्लाई जा रही है केबल की, और आपके यहाँ अगर मान लीजिए पावर सप्लाई कट हो गई, तो ऐसे में क्या होगा कि 6 नंबर गली के जितने भी चैनल थे, सॉरी जो केबल में आप चीजें देख रहे थे, जो चैनल देख रहे हैं, वो सारा बंद हो जाएगा। तो इन सारी दिक्कतों का ये सारी चीज फेस लोग कर रहे थे उस समय तक। तो यहाँ पे जब कॉरपोरेट में जब बिग प्लेयर्स आने लग गए इस चीज को और हैंडल करने के लिए और इसमें अपने आप को आजमाने के लिए, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो लोकल ऑपरेटर्स थे, जो छोटे ऑपरेटर्स थे, वो ज्यादा से ज्यादा 30 चैनल तक ही उनमें कैपेबिलिटी थी इस चीज को आपको ऑफर करने के लिए। लेकिन एमएसओ जो था वो आपको कम से कम 65 चैनल्स आपको प्रोवाइड करवा रहा था उस समय तक। मतलब कि यहाँ से आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ से स्टार्ट हो गया था कि एक ही तरह के चीजों में लोग अलग अलग तरीके से आपको ऑफर दे रहे थे। छोटे केबल ऑपरेटर्स आपको 30 ही दे रहे थे और एमएसओ 65 दे रहे थे। तो ये यहाँ से आपको डिफरेंस 35 चैनल्स का डिफरेंस आपको यहाँ पे मिल रहा था। तो ये जो चीजें आई, ये जो डिफरेंस आया इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को लेकर के ये चेंजेस आने शुरू हुई थे। क्योंकि एमएसओ जो है वो ज्यादातर अपना केबल का जो काम है वो मेट्रो सिटीज में करता है, बड़े शहरों में करता है। तो बड़े शहरों में लोग एजुकेटेड ज्यादा होते हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट वो ज्यादा होती है। छोटे शहरों में आपको दोनों तरह के लोग मिल जाएंगे, तो उनको कहीं ना कहीं इन 35 चैनल या 30 चैनल से भी वो खुश थे। लेकिन यहाँ पे जब आप देख रहे हैं, तो आपको कम से कम यहाँ 65 चैनल्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है, 65 और 30 चैनल्स। सीधा सीधा अगर डिफरेंस करें तो आधे का आपको 50% का डिफरेंस आपको दिख रहा है एक तरफ से, कि यहाँ से 30 यहाँ 65, इसका 2 गुना मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें 2 गुना आपको फर्क पता चल रहा है। तो ऐसी चीजें थी, क्योंकि अगर 65 चैनल आप ले रहे हैं एमएसओ से और आप मेट्रो सिटी में, तो आपको अगर
स्पोर्ट्स के चैनल्स की बात करें तो आपको कई तरह के स्पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे, 10 स्पोर्ट्स मिल जाएंगे और स्टार स्पोर्ट्स मिल जाएंगे और जितने भी तरह की स्पोर्ट्स चैनल हैं वो सारे आपको प्रोवाइड हो रही है। लेकिन अगर मैं छोटे सिटी की बात करूं जहां पे 30 चैनल्स प्रोवाइड हो रहे हैं तो वहां कम से कम एक या दो उससे ज़्यादा की चैनल्स आपको नहीं मिल पाएंगे। लेकिन यहीं पे एमएसओ की बात करूं तो यहाँ कम से कम 5 से 6 जितने अवेलेबल हैं इंडिया में उसके हिसाब से वो चैनल्स आपको मिल जाएंगे। तो उसी तरह की डिफरेंशिएट अगर हम म्यूजिक चैनल के लिए बात करें तो इसमें भी आपको काफ़ी चेंजेस आपको मिलेंगे। वहाँ अगर 3 है तो कम से कम आप 6 म्यूजिक चैनल यूज कर रहे होंगे, अगर वो 2 लोकल कर रहे हैं तो आप 8 से 10 लोकल न्यूज चैनल्स आप यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे होंगे। अगर मूवी चैनल की बात करें तो मूवी चैनल में भी आपको बहुत सारे डिफरेंशिएट यहाँ से मिल रहे हैं, और इंफॉर्मेटिव चैनल्स की बात करें तो वहाँ से भी आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको चीज़ें मिल रही हैं। तो यही फर्क होता है कि आपको डिवोशनल चैनल्स जो है वो सारे चैनल्स में आपको चीज़ें डिफरेंशिएट हो रही है कहीं ना कहीं। न्यूज चैनल की बात करें तो जो टॉप चैनल होते हैं जो समय तक टॉप पे चल रहे थे तो वो चैनल्स तो आपको मिल ही रहे हैं उस समय पे, लेकिन कहीं ना कहीं जो और भी न्यूज चैनल्स हैं वो आपको वहाँ पे नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि आपने जो आपकी लिमिटेशन है आपके जो केबल ऑपरेटर ने दिया है वो आपको 35 तक ही दिया है। 35 में कुछ ऐसे भी चैनल होते हैं जो हर कोई देखना पसंद नहीं कर रहा, जैसे उसमें तमिल है, कन्नड़ है, बंगला है, वो उड़िया है, मराठी है, पंजाबी है, तो पंजाबी मराठी देखना सबके बस की बात है नहीं, और हर किसी को बांग्ला या उड़िया समझ में नहीं आता है। तो चैनल की काउंटिंग कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से भी फुलफिल की जाती है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 30 चैनल में ही फुलफिल की जा रही है, 65 चैनल में भी फुलफिल की जा रही है। इसमें DD1 भी है, DD1 के और भी जो अलग अलग चैनल्स हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें एड ऑन की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हम आगे चलते हैं, तो जब ये इंडियन में ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुआ तो उसमें जो रेवेन्यू थे उनको अर्न करने के लिए इन्होंने दो सोर्स थे, जहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट और जो सब्सक्रिप्शन था वो था, और जो बिजनेस के लिए मॉडल थे उसमें भी। तो पहला था फ्री टू ईयर, यहाँ पे फ्री टू ईयर FTA, और दूसरा था पे टीवी चैनल्स। इसमें दो तरीके से ये चलता था। फ्री टू ईयर में जो रेवेन्यू कमाने का जो सोर्स है उस पे ध्यान ज़्यादा दिया जाता था, ताकि फ्री टू ईयर के चैनल से भी, क्योंकि फ्री टू ईयर जो होता है उसको ज़्यादा लोग एक्सेस करते हैं और जो पेड चैनल होता है उसके कम लोग एक्सेस करते हैं, क्योंकि हर पेड चैनल को एक्सेस करना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। आज भी अभी के टाइम में मतलब 2020 में भी ऐसे आपको कितने घर मिल जाएंगे जो फ्री DTH यूज करते हैं, सभी लोग उस पे पेड नहीं यूज करते, ज़्यादा जितने भी फ्री चैनल हैं वो उसी से अपना काम चलाते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसमें एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, या ऐसे जो लोकल एडवर्टीजमेंट है वो दे सकते हैं, नेशनल एडवर्टीजमेंट आप यहाँ से दे करके, और इसमें से लोग रेवेन्यू कमाते थे। लेकिन पे टीवी चैनल था इसका जो मेन फोकस था उसको तो मेंबरशिप पे था ही था, और एडवर्टीजमेंट दोनों से उसको डबल रेवेन्यू था उसको कमाना था, क्योंकि आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आप उसमें भी पैसे दे रहे हैं केबल वालों के, और केबल वाले जो जिनका एड चला रहे हैं वो उनसे भी पैसे ले रहे हैं। तो पे टू चैनल में कहीं ना कहीं आप इनका जो रेवेन्यू का जो रास्ता था वो अच्छा हो गया, वो कई तरीके से इसमें से पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। अगर ऐसे टाइम पर अगर रेवेन्यू नहीं कमाया जाएगा तो लोग अपने चैनल को या जो केबल ऑपरेटर है वो उसे कैसे हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि उनके साथ भी कई और लोग जुड़े होते हैं उस केबल को चलाने के लिए, ताकि जो आपको सर्विस मिल रही है वो सर्विस आपको अच्छी मिलती रहे हमेशा, ताकि जो भी दिक्कत हो तो जो उनके हेल्पर होते हैं या जो उनके टेक्नीशियन होते हैं वो आकर के जो भी प्रॉब्लम होते हैं उसे शॉर्ट आउट करते हैं, और फिर से आप टीवी को बिना किसी प्रॉब्लम के आप देख पाते हैं। तो जब क्या कहते हैं कि जब इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री में जब टोटल रेवेन्यू को हम उसमें अगर जोड़ते हैं तो आपके पास 25,700 करोड़ इतनी रेवेन्यू उस समय थी 2009 में,
सोचिए कितनी बड़ी रेवेन्यू उस समय वहां पे अर्न हो रही थी एडवर्टीजमेंट से, मेंबरशिप से, सब्सक्रिप्शन से। तो सब्सक्रिप्शन से कहीं ना कहीं आप चीजों को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो चैनल एड ऑन कर रहे हैं और आप ले रहे हैं, और एड चल रहा है, एड से मार्केटिंग है। तो इससे आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हुई थी 2009 में। और जिसमें से अगर मैं बात करूँ तो एड से सिर्फ यहाँ पे 8,800 करोड़, यहाँ पे 24% आप देख रहे हैं, जो मेंबरशिप से आई थी उसमें 16,900 करोड़, 66% ऑफ एवरेज एआरपीयू इन RS 165। तो 165 के मंथली रेंटल पे आप जो इंडियन जो बिजनेस कर रहे थे इस चीज में, केबल ऑपरेटर में, तो उन्होंने इतनी सारी क्या कहते हैं कि रेवेन्यू यहाँ से जनरेट कर ली। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि जो इसका मार्केट था इंडिया में, जो इसका मार्केट बना, इतना बड़ा मार्केट बना कि जिसको रेवेन्यू कमाने का जो जरिया था, तो उनको कहीं ना कहीं ये और ग्रोथ आगे की तरफ कर रहे थे। तो कंडीशनल एक्सेस सिस्टम पे अगर हम जाते हैं, तो कंडीशनल एक्सेस सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं डिजिटल मोड ट्रांसमिटिंग पे है, ठीक। तो आप करने के लिए एक डिजिटल मोड को हमने वहां से स्टार्ट किया था। तो ट्रांसमिशन सिग्नल एनक्रिप्ट किए जाने और जो व्यूवर्स थे उनको सिग्नल अच्छा मिल पाए, उसके लिए सेट ऑफ बॉक्स करने के लिए उसको जरूरी कर दिया गया था। ऐसा क्यों कर दिया था कि ट्राइम की जो 2013 में, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2013 में जो चीजें आई थी कि ये लोग क्या करना चाहते हैं कि एनालॉग से लोग डिजिटल पे शिफ्ट होना चाहते थे। तो एनालॉग पे हम कहीं ना कहीं उस समय काफी टाइम तक 90 से लेकर के 2013 तक कहीं ना कहीं एक लंबा टाइम ड्यूरेशन हमने एनालॉग डिजिटल पे सॉरी एनालॉग पे टाइम बिताया, क्योंकि एनालॉग में आपको बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो इसमें क्या हुआ था कि बहुत सारी कंप्लेंट जाती थी, टेक्नीशियन परेशान होते थे, कहीं ना कहीं दोनों के बीच की जो प्रॉब्लम थी वो कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ती जा रही थी। इसके बाद जब ट्राई ने रिकमेंड किया केबल ऑपरेटर्स को कि आप वहां से मूव कीजिए एनालॉग से डिजिटल की तरफ, तो डिजिटल की तरफ जाने से ये फायदा हो गया कि एक फायदा और एक नुकसान, तो ये चीज जरूर होता ही है। अगर आपके पास फायदा आ रहा है तो नुकसान पे नुकसान है, तो आपके पास फायदा हो रहा है, लॉस ऑफ प्रॉफिट ये बना रहता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको पहले से ज्यादा चार्जेस देने थे, आपको एक सेट ऑफ बॉक्स के लिए अलग से 1300, 1500 या 1000 रुपये आपको पे करने पड़ जा रहे थे उस समय, और उसके साथ जो मंथली रेंटल चार्जेस थे वो भी उस समय ज्यादा बढ़ गए थे। जो सेट ऑफ बॉक्स के फील्ड में जितना भी कंपनियां मैंने आपको बताई यहाँ पे तो इन सारी कंपनियों ने इसमें भी ये किया था। तो यहाँ पे एशिया नेट हो गया, ये हैथवे हो गया, तो हिंदुजा ग्रुप हो गया, इनके भी सेट ऑफ बॉक्स मार्केट में आने शुरू हो गए थे। और ये क्योंकि इनका नेट तो काम था ही, ब्रॉडबैंड का और बॉक्स थे ही, तो इन्होंने बॉक्स के ऊपर अपना नाम लेबल वाला जो सेट ऑफ बॉक्स था वहां लगाना शुरू किया। अगर आप हैथवे का केबल टीवी यूज कर रहे हैं तो आपके घर पे हैथवे का सेट ऑफ बॉक्स लगेगा। सारे सेट ऑफ बॉक्स सेम होते हैं, सिर्फ जो ब्रांडिंग होती है, जो स्टिकर होता है वो सिर्फ अलग होता है और कुछ नहीं होता। ज्यादा ज्यादा लोग एक से दो स्टेप आगे पे उसको मूव कर सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि इस चीज को टैरिफ में आपको डाल दिया गया कि आप ये चैनल ले रहे हैं तो आपको ये चैनल सॉरी ये टैरिफ अगर ले रहे हैं तो आपको ये चैनल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर इतने का आप टैरिफ ले रहे हैं तो आपको इतने सारे चैनल्स और ये फैसिलिटी आपको मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जब हम एनालॉग से डिजिटल की तरफ मूव किए तो ऐसी सारी चीजें हमारे सामने आकर के खड़ी हो गई। अगर हम डीटीएच ही यूज करते हैं तो हमारे पास जो पैक का जो मेन्यू होता है, तो उसमें जब हम देखते हैं कि आपको 699, 399, 299 ऐसे करके जो पैक सिस्टम बने हुए हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि इंटरटेनमेंट चैनल इतने हैं, न्यूज चैनल आपके पास इतने मिलेंगे, म्यूजिक चैनल जो है वो आपके पास इतने मिलेंगे, ये चैनल्स है ये मिलेंगे। तो इसके बाद जब ये चीजें और चेंज हुई, इसमें और डेवलपमेंट हुई, तो इसमें रिफॉर्म हुई, तो कहीं ना कहीं इसके बाद इसमें एचडी का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया था। इसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने अपने घर में एचडी सेट ऑफ बॉक्स लगवाना शुरू कर दिया। तो यहाँ से आप एक सेट ऑफ बॉक्स से जब शुरुआत हुई, वो शुरुआत होते होते कहीं ना कहीं जाकर के एचडी पे जाकर रुकी उस समय तक। और
आने वाले टाइम पे हो सकता है कि 4K भी केबल टीवी ऑपरेटर्स जो है वो प्रोवाइड करवा दे। तो यहाँ पे जो चेंजेस है वो बहुत क्लियर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो एनालॉग से डिजिटल पे जाने का फायदा ये हो गया कि आप अपने हिसाब से जो चैनल्स हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑपरेटर ने ये आपको दे दिया तो यही आपको देखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ट्राई ने यही चीज इसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश की थी कि जो व्यूअर है उसे कौन से चैनल की रिक्वायरमेंट है, वो कौन सा चैनल देखना चाहता है, कौन सा चैनल नहीं देखना चाहता है, वो उसके फेवर में हो, ये ऑपरेटर्स के फेवर में ना हो। ऑपरेटर्स अगर DD1 के 10 चैनल दे रहा तो 10 चैनल तो आपके अकाउंट में आ ही आएंगे। अगर मुझे दूसरे चैनल्स नहीं चाहिए तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि पैसे तो मैं भर रहा हूँ ना, तो इसमें फ्रीडम तो मेरी होनी चाहिए कि ये चैनल्स मुझे यूज करना है, बाकी चैनल मुझे यूज नहीं करना है। तो इतने सारी चेंजेस यहाँ पे आपके सामने समय तक बन रहे थे। तो कितने ये हुआ कि ऐसे कितने आपके चैनल्स पे या क्या कहते हैं कि ऐसे गवर्नमेंट एड ट्राई ने ऐड निकाले, आपको उस पे ऐड पे दिखने आपको ऐड दिखने मिल गया कि लोग कैसे शिफ्ट कर रहे हैं, आपको उससे क्या क्या बेनिफिट है। तो इस चीज़ को एडॉप्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट को कई इनिशिएटिव काम करने पड़ गए थे, कई चीज़ों को इनिशिएट किया था, ऐड निकलवा रहे थे, पेपर में प्रिंट आउट करवा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें उनको करनी पड़ी, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी इंडिया में सभी को एक बार में केबल से डायरेक्ट बॉक्स के यूज पे डालना बहुत बड़ा एक टास्क था गवर्नमेंट के लिए। तो जो डेडलाइन थी वो डेडलाइन कहीं ना कहीं हमेशा बढ़ती ही जा रही थी। अगर 30 मार्च का डेडलाइन है कि 30 मार्च तक अगर आपने सेट ऑफ बॉक्स नहीं लगवाया तो आपका टीवी बंद हो जाएगा। फिर दूसरी डेडलाइन आई कि अगर 22 अप्रैल 25 अप्रैल तक आपने सेट ऑफ बॉक्स नहीं लगवाया तो आपका जो टीवी देखने का जो एक्सपीरियंस है वो वहाँ से बंद हो जाएगा, आप टीवी नहीं देख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जा करके फिर गवर्नमेंट को एक हार्ड प्रोसेस जो डिसीजन है वो लेना पड़ गया और उन्होंने एक टाइम पा करके उसको बंद करवा दिया। इसके बाद धीरे धीरे जो इसमें ग्रोथ हुआ, इसमें जो चेंजेस आए, तो लोग बहुत तेजी से, बहुत रैपिड फायर की अगर बात करें तो उस तेजी से लोगों ने इस पे शिफ्ट होना शुरू कर दिया। ठीक, अब अगर रेगुलेटरी एंड पॉलिसी इंटरवेंशन की बात करें तो जो केबल टेलीविजन में जो सर्विसेज हैं 2004 में भारत क्या कहते हैं कि इंडियन टेलीकॉम अथॉरिटी जो ट्राई है उसको लाया गया था, उसको इस्टेब्लिश की गई थी 2004 में, और डिसेट और भी जो चीज़ें थी उसमें केबल बीच के जो दिक्कतें थी उसको शॉर्ट आउट किया गया था। और यहाँ पे और 2006 में ट्राई एक नया आपको रेगुलेटरी जो मिल रही थी आपको ट्राई की तरफ से इम्पावरिंग, उसमें चेंजेस आ गए और उस पर क्या कहते हैं केबल एक्ट 1994 में जो अमेंडमेंट थे उसको चेंज किया गया था, जो चेंज उसमें चेंजेस किए गए थे एक्ट में। और यहाँ पे फिर टैरिफ ऑर्डर और इंटरकनेक्ट और प्राइसिंग रेवेन्यू, ये सब सारी चीज़ों के ऊपर इसमें काम करना शुरू हो गया था। यहाँ पे जब हम चलते हैं तो प्रसार भारती के बारे में हम जानेंगे कि जो एक्ट था उसमें कितने क्या क्या चीज़ें थी इस एक्ट के अंडर में, और जो कमेटी बनी थी उस कमेटी में क्या क्या चीज़ें इसमें एड ऑन हुई थी, उसमें क्या क्या चेंजेस हमें देखने मिले थे उस समय तक। तो जो कमेटी बनी, उस कमेटी को बनाने के पीछे क्या मोटिव था गवर्नमेंट को और वो कमेटी क्यों बनाई गई थी, तो ये सारी सभी चीज़ें हम यहाँ से जानेंगे। तो प्रसार भारती एक्ट जब लाया गया था तो उसको डीडी है दूरदर्शन और जो अपना AIR है मतलब आकाशवाणी है, वो एक ही तरह के में थे, एक ही साथ में वो काम कर रहे थे उस समय तक। लेकिन 1996 में चंदा कमेटी रिपोर्ट कि जो रिजल्ट प्रसार भारती की तरफ से, तो 90 में उन्हें बिल्ड किया गया था प्रसार भारती को। और प्रसार भारती का जो सबसे बड़ा पब्लिक ब्रॉडकास्टर है ये तो हम जानते ही हैं, इसमें से दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क और ऑल इंडिया रेडियो शामिल है, दोनों ही इसमें एक साथ हुआ करते थे।
मीडिया से पहले जरूरी था इनको इंफॉर्मेशन, और मिनिस्टर ब्रॉडकास्टिंग मीडिया जो यूनिट्स वेयर हैं उनको एक क्या कहते हैं संसद या जो मिनिस्ट्री है उसमें एक्ट के द्वारा दोनों को बनाया जाए और उसे ऑटोनोमस बॉडी की तरह किया जाए ताकि दोनों बॉडी अलग अलग हो जाए। तो 1990 में इस ऑटोनोमस को बॉडी की बनाने की क्लियरेंस उस समय मिल गई थी, क्योंकि पहले दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो एक ही साथ हुआ करता था। तो इस कमिटी के बनने के बाद जो दिक्कतें आ रही थी कि अगर दोनों एक ही साथ चल रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉब्लम्स आनी मतलब बनती हैं कि उसमें ये प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी, ठीक है। तो उसको क्लियरेंस मिलने के बाद इंडिया में एक एक्ट उस समय तक पास हो चुका था, लेकिन इसे 15 सितंबर 1997 को इनिशिएटिव में लाया गया था, इनिशिएट किया गया था उस समय तक। और इंडिया में प्रसार भारती जो ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन इंडिया एक्ट 1990 में पूरे इंडिया में इसको फैला दिया गया था कि इसी एक्ट के हिसाब से आपको काम करना है। तो इतनी सारी चेंजेस हमारे सामने उस समय तक आई थी। इंट्रोडक्शन ऑफ सेन गुप्ता कमेटी, हम यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले और इसके बारे में हम जान लें कि और भी क्या क्या इसमें चीजें हुई थी। तो जब केबल की अगर हम बात करें तो जो लिमिटेशन थी लोगों के देखने की DD1 से आकर के फिर प्राइवेट चैनल पे आना, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था इंडियन यूजर्स के लिए जो व्यूवर्स थे, क्योंकि जो डीडी डीडी के जो चैनल्स थे और उनकी जो स्टूडियो और इक्विपमेंट्स थे, पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि ये अपने आप को अपडेट करना ही नहीं चाहते उस समय तक, तो कहीं ना कहीं इनको बहुत सारी लॉस का सामना करना पड़ा था। तो इसके बीच इस चीज़ का फायदा उठाने के लिए केबल टीवी का आना शुरू हो गया इंडिया में, और इससे क्या हुआ कि जो व्यूवर्स थे उनके देखने का नजरिया था वो बिल्कुल ही अलग हो गया। जो चीजें उनको सिंक्रोनाइज फॉर्म में मिल रही थी और वो इसके बाद वो पूरे स्प्रेड हो गए पूरे तरीके से, छोटा बड़ा इस तरह का जो चीज है आपको एक लिमिट चीज मिलती है और इसके बाद चीजें अनलिमिटेड हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपका जो टीवी देखने का एक्सपीरियंस तो काफी बदल गया, लोगों का टीवी देखने का जो टाइम आवर था वो कहीं ना कहीं यहाँ से इफेक्ट हुआ। तो जो लोग पहले डीडी के कारण कुछ समय तक ही टीवी पे टाइम बिता रहे थे और कुछ चीजें थी, तो कहीं ना कहीं केबल आने के बाद ये चीजों जो थी काफी बदल गया और लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम टीवी के ऊपर स्पेंड करने लगे। आज भी लोग टाइम पास करने के लिए पूरे दिन टीवी देखते हैं, चाहे वो न्यूज चैनल के लिए हो या मूवीज के लिए हो और चाहे कार्टून कार्टून देखने के लिए हो। तो ये जो कार्टून नेटवर्क का कॉन्सेप्ट था उस समय स्टार्ट तो हो गई थी आपकी ये 90s में या 94 6 7 8 के बाद ये जब स्टार्ट हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आ रही थी सामने मतलब खुल करके कि जब सभी चीजों के लिए है तो कार्टून के लिए क्यों नहीं है। तो इसी बात बच्चों के लिए भी एक नई चीज आ गई, कार्टून नेटवर्क आ गया, पोगो आ गया, और बहुत सारी चैनल्स हैं जो बच्चों के लिए हैं, चाइल्ड के कैटेगरी में ये सारी आती हैं। तो उनका देखने का जो एक्सपीरियंस था वो काफी अलग हो गया था। बच्चे जहाँ दिन भर पहले क्या होता था कि बच्चे बाहर ज्यादा खेलते थे घर में कम खेलते थे, तो कहीं ना कहीं ये सारे चैनल्स आने से क्या हुआ कि इंडोर एक्टिविटी जो है थी और है वो काफी बढ़ गई और आउटडोर एक्टिविटी कहीं ना कहीं घट गई है। तो जो चीजें हैं उनका जो आपको यूज करना है तो उसको कितनी लिमिटेशन है उस लिमिटेशन में आपको यूज करनी है। ऐसा नहीं है कि जो चीज मिली है उसको पूरा यूज कर रहे हैं उसमें से सिर्फ हम लॉस उठा रहे हैं, प्रॉफिट उठा नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो बच्चों के लिए जो प्रोग्राम्स आते हैं उसमें इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड चीजें नहीं है, वो उसमें भी ये सारी चीजें रहती हैं। कहीं ना कहीं अगर DD1 पे जो भी चैनल प्रोग्राम आ रहे थे उसको कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश की जाती है ताकि जो बच्चे हैं उस चीज को देख रहे हैं तो वो इस चीज से नए चीजों को एडॉप्ट करें, कुछ अच्छी चीजों को एडॉप्ट करें यहाँ से और चीजों को सीखें। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी था उसमें से, मतलब उसमें बताया जाता था कि आपको गंदगी नहीं करनी है, आप घर में हो चाहे स्कूल में हो या पार्क में हो,
तो आपको गंदगी नहीं करनी, आपको लोगों से अच्छे से बात करना चाहिए, जो बिहेवियर है वो गुड, बहुत अच्छी बिहेवियर होना चाहिए, गुड स्टूडेंट्स की तरह आपको रहना चाहिए, आपको टाइम टू टाइम पढ़ना चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए। तो ऐसे करके जो इनिशिएटिव लाया गया था इन सब चीज़ों के चेंजेस के लिए, तो ये सारी चीज़ उस समय तक थे। तो इसके बाद हम यहाँ स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेन गुप्ता कमेटी। तो नीतीश सेन गुप्ता जो कमेटी बनाई गई थी, वो एक्सपर्ट कमेटी, उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 28 दिसंबर 1995 को डॉक्टर एन के की जो प्रिसाइड ओवर जो थी यहाँ पे ठीक है, और उसको इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय के द्वारा उसको उनको बनाई गई थी। जो प्रसार भारती एक्ट जब आया था उस वक्त एक्ट आया थी ये 1990 में, फिर से इसको रीचेक करने के लिए इस चीज़ को बनाया गया था, क्योंकि जो एक्ट आता है उस एक्ट में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रह जाती है, तो एक्ट को रीचेक करने का जो फंडा था उसको कहीं ना कहीं उसकी रिक्वायरमेंट थी। तो ये रीचेक जो हुआ किसके अंडर में डाला गया था, चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर एन के सेन गुप्ता कमेटी के अंदर में इस चीज़ को डाला गया था, ताकि रीचेक हो और इसमें जो चीज़ चेंजेस करने हो वो सारी चेंजेस यहाँ से कर पाए। तो जो ग्रुप था वो इसमें एन के सेन गुप्ता, एम आर नारायणा मेंबर थे और वेद लेखा मेंबर ये थे, तो चेयरमैन थे वो एन के सेन गुप्ता थे। तो जो सेन गुप्ता कमेटी है इसके बारे में आप पढ़ें, और इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें से जानने को मिलेंगी, कम से कम 25 ऐसे फीडबैक इसमें से जो सजेस्ट किए गए थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है, जब सरकार ने अपने जो रिलेशन है तो उसको स्पेशल रेफरेंस के साथ प्रसार भारती की जो रोल है उसको एक पब्लिक बोर्ड के रूप में बनाए रखने को जरूरी बात हो रही थी। और इसके बाद हम चलते हैं आगे, ठीक है। और जब ये आया, जब दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के जो फुटेज लाइब्रेरी है उसको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए उसको इसमें लाया गया था, क्योंकि जो फुटेज होती है, जो कैसेट्स में जो फुटेज रहेंगी, वो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद जाकर वो ख़राब हो जाती है, लेकिन जब आप इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये आप इससे काफ़ी टाइम ऑल मतलब कि होल लाइफ इसे यूज कर सकते हैं इस फुटेज को। ये फुटेज डिजिटल में ख़राब नहीं होता, चाहे आप इसको आप फुटेज रखने का ये सबसे ज़्यादा अच्छा फायदा होता है डिजिटल फॉर्म में करने का। और यह सजेशन देते हुए कि नई मीडिया के जो यूज हैं डिजिटल मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वो कैसे किया जा सकता है एंड द बोथ साइड ऑफ ब्रॉडकास्ट मोड्स में, ठीक है, कि दोनों मोड में ये हम यूज कैसे करें, डीटीएच के जो डीटीएच के हेल्प से और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया पर डिमांड जो बेस्ड होते हैं मोड फ्री और आईपीटीवी के इससे से पेमेंट पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें उस कमेटी में बनाई गई थी, क्योंकि प्रसार भारती की जो एक क्रिएटिव एक्सक्लूसिव ओवरसीज सर्विस जो है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सजेशन में है, तो उसके सहित क्या दुनिया भर की जो व्यूवर्स हैं उनके ऊपर पहुंच कितनी जा रही है, डोमेस्टिक हो और फॉरेन जो पार्टनर्स हैं, फॉरेन पार्टनर्स हैं उनके साथ एक जो क्या कहते हैं रणनीति कहते हैं, और जो दोनों के बीच में समझौता होता है कि हम ये सारी चीज़ें मिलकर के एक साथ करेंगे इस नेटवर्क के साथ में, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें निकल के आई हैं इसमें तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो ग्रुप एकम्प्लिश यहाँ पे है मीडिया एंड, तो ये सारी चीजें यहाँ इस पे आई थी। तो इस पे क्या निकल के आया, तो जो मीडिया कमेटी की जो मीटिंग हुई और मीडिया के जो एक्सपर्ट बैठे हुए थे दूरदर्शन और ऑल इंडिया के जितने भी एम्प्लॉय थे उनके साथ, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई थी और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सीनियर ऑफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव के साथ दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इतने कितने सारे जो बहुत सारे लोगों के साथ इन्होंने इसमें जो मीटिंग हुई थी उसमें बात हुई थी, और उस पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ निकल के आई थी कि हम इसको कौन कौन सी चीज़ों में और आगे काम कर सकते हैं, तो वो जो मैनेजमेंट उसमें बना था तो उसके अंडर में जैसे कि एजुकेशन पे, लिटरेचर के ऊपर, जो कल्चर है उसके ऊपर, आर्ट मतलब आर्ट हो गया, सिंगिंग हो गए,
थिएटर हो गए और जर्नलिज्म हो गए, इनके ऊपर ये सारी चीजें ज्यादा बेस्ड बनी की गई थी। ठीक है, कमिटी ने ऑल इंडिया और कलकत्ता इंडिया एयरलाइंस, दिल्ली और एयर इंडिया के जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं और बॉम्बे के हेडक्वार्टर का टूर किया और इन ऑर्गेनाइजेशन में जो सीनियर मैनेजमेंट के साथ सीधी बातचीत करने के लिए इन्होंने जो स्ट्रक्चर किया था और स्टडी और ग्रुप को रिप्रेजेंटेटिव करने का इन्होंने चीज किया था कि आप हर क्वार्टर में इसको, हर तिमाही में आप इस पे आप चीजों को रिसीव करेंगे। तो ये कमिटी जो थी वो ऐसे करके रन कर रही थी और इसमें जो जो रिजल्ट आया था, ये रिजल्ट आप यहाँ से, जो ग्रुप था वो अपने डिस्कशन को थोड़े समय के भीतर उसको कंप्लीट करना था और मुश्किल से 3 से 4 महीने, जो कि 1996 और पॉलिटिकल डेवलपमेंट में और जनरल इलेक्शन से बाधित होते थे, मतलब इसमें प्रॉब्लम्स इनसे होती थी। तो जो ये ग्रुप था यह जानना चाहता था कि यूनाइटेड किंगडम बीबीसी की जो ऑटोनोमस फंक्शन है वो कैसे सुनिश्चित, वो काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, और वो किन किन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, जो सैटेलाइट चैनल्स हैं उसके कारण क्या हुआ कि उसमें बहुत तेजी से बूम आने का जो रीजन था वो क्यों था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जब कोई नई कंपनी बनती है तो उसकी जो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है और ये होती है कि जो एक ऑटोनॉमस बॉडी है वो फंक्शन कैसे करता है, उसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं और उनका जो वर्क है वो वर्क कैसे करता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत चीजें चल रही थी। तो ये जो सारी कमेटी बनी, इस कमेटी के अंदर में क्या-क्या चीजें यहाँ पे होनी चाहिए थी, ये सारी चीजें भी यहाँ पे हमने आपको बताया। तो अगर यहाँ आईपीटीबी की बात करें तो जैसे कि मैंने शायद आपको आईपीटीबी बताया हुआ, इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन, ये इंटरनेट के बेसिस पे चलेगा। इसके लिए आपको अच्छी नेट स्पीड होनी चाहिए और अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड सर्विस होनी चाहिए, तब जा करके एक आप आईपीटीबी को यूज कर पाएंगे। जैसे क्रोमकास्ट हो गया और एप्पल टीवी हो गए और अमेजन फायर स्टिक हो गए, ये सारे जो है कि आईपी स्टिक में भी की तरह यूज किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये जो सेन गुप्ता कमेटी है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, इसके और जो पॉइंट्स है वो आपको कवर करने होते हैं और इसके बारे में आपको और नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि सेन गुप्ता की जो है ये अक्सर ये एग्जाम में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं इनके दो पॉइंट्स इसमें पूछते हैं। और ट्राई का जो रेगुलेशन है वो सारी चीज़ें बहुत जरूरी है, केबल टेलीविजन और ये सब जो है हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे पूछी जाती हैं। तो ये आज के वीडियो है इसमें, और जो नेक्स्ट वीडियो हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट मॉडल सॉरी क्लास में, तो वो हमारा रहेगा कि टेलीविजन इम्प्रूवमेंट के लिए और प्रसार भारती एंड वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज, जो है प्रसार भारती के साथ कौन कौन से और बॉडीज जो जुड़ी हुई है और उसमें क्या क्या वो चीज़ें, उनका वर्क कैसा होता है, उनका वर्क कल्चर कैसा है, इन सब चीज़ों पे भी हम काम करेंगे और उसके बारे में हम जानेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे अब हमारे जो मॉड्यूल 1 के जो दो टॉपिक बचे हुए हैं हम उस वीडियो में उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो जितनी चीज़ें मैंने बताई आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसको नोट डाउन करेंगे और नोट बनाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में उन दो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।